हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राकेश मिश्रा। हियर आई एम गोइंग टू रिवाइज द सैम्पल पेपर दैट इज बोर्ड क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी। हियर आई हैव टेकन अ सीरीज दैट इज ONS, द रोल नंबर एंड एवरीथिंग विल बी एज यूजुअल एज ओवर द क्वेश्चन पेपर। दैट इज द क्वेश्चन पेपर वॉज प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन पेपर। From today's onward, I will introduce you about different sample papers, that is actually the board question paper. Actually, we do not prefer to revise the sample paper because sample paper may be reliable question paper or may be non-reliable. But the board question paper are efficient because of having very important series of questions are there. So you need to practice at least 20 sets of question paper till your examination. आपको एग्ज़ाम तक कम से कम 20 क्वेश्चन पेपर का रिवीजन कर लेना है, ठीक है। 20 अगर आप डिफरेंट सेट्स को भी लेते हैं तो आपको कोई ना कोई क्वेश्चन कॉमन मिल ही जाएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि वो कॉमनली पूछे जाते हैं। तो ऐसे 10 क्वेश्चन भी अगर कॉमन मिलते हैं तो उसकी आप लिस्ट बना लीजिए, उस 10 को पहले प्रिपेयर कर लीजिए, फिर आप अगले 10 को जो अनकॉमन है, जो कभी कभी मुश्किल से दो बार या तीन बार आए हुए हैं 20 टाइप में, मतलब एक से ज़्यादा बार आए हुए हैं, तो उसको अलग लिस्ट बना ली, उसको भी पढ़ लीजिए। फिलहाल आपको क्या फोकस करने हैं कि जो 20 सेट्स पे आप प्रैक्टिस करेंगे, उस 20 सेट्स में आप ये अपने आप से प्रॉमिस करिए कि उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये मान के चलिए कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने ही वाले हैं, ठीक है। तो 20 डिफरेंट टाइप्स के सेट्स आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। चलो हम विदाउट डिले हमें क्वेश्चन पेपर देखो, जिस साल भी पूछा गया उसका ये सेट 3 है, ठीक है। हर क्वेश्चन पेपर का अपना एक कोड होता है, यहाँ पे 57/3 लिखा हुआ है। बाकी इंस्ट्रक्शन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं क्वेश्चन पेपर में, आई होप उसको आप पढ़ेंगे, क्योंकि उसको आप छोड़ रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि वो एग्जैक्ट जो है आपको कॉपी में भरने रहते हैं, ठीक है। चलो आते हैं, टाइमिंग तो सबको पता होता है एग्जामिनेशन में 12 में 3 घंटे मिलते हैं, हालांकि कहने के लिए 3 घंटे हैं, आप ये मान के चलिए कि आपको जो प्रैक्टिस करने हो 2.5 घंटे में ही कर लेना है घर पे, ठीक है। ये मान के चलिए कि आपको 2.5 घंटे मिलते हैं, अगर 2.5 घंटे की प्रैक्टिस आपकी होती है तो 3 घंटे में आप बहुत अच्छे से पेपर को सबमिट लेंगे, कर लेंगे, ठीक है। मार्क्स आपके 70 ही रहेंगे और बाकी 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होंगे, उस पर आप लॉजिकली आप प्रैक्टिकल के मार्क्स में मत जाइए, यहाँ 70 का टारगेट बनाए, 70 out of 70 लेना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन पेपर के ये जनरल इंस्ट्रक्शन थे, जो आपको क्या भरने हैं, कौन से कॉलम में, कॉपी में क्या भरने हैं, पेपर में क्या भरने हैं, सब है। और ये क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन को भी हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, तो यहाँ पे भी क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है इसलिए यहाँ पे भी हिंदी इंग्लिश में सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलो आते हैं, इसमें हम उस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करेंगे जो इस साल कट गए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मेंशन द 2 एडवांटेजेस फॉर प्रेफरिंग CNG ओवर डीजल एज एन ऑटोमोबाइल फ्यूल। कह रहे हैं कि CNG का यूज करें डीजल का नहीं, तो एक चैप्टर 16 का है, इसको छोड़ देते हैं, इन्वायरमेंटल इशूज़ का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, इस साल नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल। देखो ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होता है बेटा, एनिमल हैविंग एन अल्टर्ड डीएनए, ठीक है, और एनिमल्स हैविंग अल्टर्ड एंड मैनिपुलेटेड डीएनए, द ऑर्गेनिजम्स हैविंग एन अल्टर्ड एंड मैनिपुलेटेड डीएनए पॉजेस एक्स्ट्रा सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, कॉल्ड ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक है। एग्जाम्पल पूछ रहा है ट्रांसजेनिक एनिमल का, तो चैप्टर 12 में आपने पढ़ा होगा रोजी काउ, बहुत इंपॉर्टेंट है रोजी काउ, ठीक है। इससे रिलेटेड आपने पढ़ा होगा कि ये अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, ठीक है, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, इसके मिल्क में एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसका नाम है अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, जिसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, ठीक है। और वो इसके 1 लीटर मिल्क में 2.4 ग्राम पर लीटर इसका ये प्रोटीन अवेलेबल होता है, 2.4 ग्राम।
जनरल प्रोटीन और इस प्रोटीन में डिफरेंट है कि ह्यूमन के लिए कम एलर्जिक होता है, ज़्यादा फायदेमंद कम एलर्जिक अल्फा लैक्टोएल्बुमिन, तो रोजी का हो गया। ठीक है, दो एग्जांपल पूछ दे, एन की जगह टू लिख दे तो क्या होगा, सुपर माउस। दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, सुपर माउस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, प्रोबेबल डिफरेंस इन ईटिंग हैबिटेट्स। तो ये नहीं पढ़ने हैं इस साल, चैप्टर 7 का इवोल्यूशन का मैटर है। नेक्स्ट आते हैं MOET, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये भी नहीं पढ़ना है, ये चैप्टर 9 का, स्ट्रेटजीज ऑफ एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। चलो आते हैं 5 पे आते हैं, अमेल हनी बी हैज़ 16 क्रोमोजोम्स वेयर एज इट्स फीमेल हैज़ 32 क्रोमोजोम्स गिव रीजन। देखो मेल जो हनी बी होता है उसको ड्रोन बोलते हैं, उसमें 16 क्रोमोजोम्स होते हैं। फीमेल हनी बी क्वीन या वर्कर्स होते हैं जिसमें 32 क्रोमोजोम्स होते हैं। इसका एक रीजन है पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इन एग सेल्स। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग सेल्स इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। अब ये 16-32 का कॉन्फ्रोगेशन कैसे हो जाता है इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। एक्चुअल में जो फीमेल हनी भी होता है उसमें 32 क्रोमोजोम्स होते हैं, ठीक है, और मेल हनी बी में 16 क्रोमोजोम्स। इसको हम लोग ड्रोन बोलते हैं और ये या तो क्वीन होता है या फिर वर्कर होता है। मियोसिस जब होगा, देखो ये डिप्लॉयड होते हैं, बाय नेचर ये डिप्लॉयड होते हैं और ये बाय नेचर हैप्लॉयड होते हैं। ठीक है, तो जब इसमें मियोसिस होगा तो इसमें 16 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स के ओवा बनेंगे, ढेर सारे ओवा बनेंगे, 16 नंबर के क्या बनेंगे, ओवा। ठीक है, और इसमें जब माइटोसिस होगा, देखो मियोसिस इसलिए नहीं होगा क्योंकि हैप्लॉयड होते हैं, बाय नेचर जो भी हैप्लॉयड होगा उसमें मियोसिस नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये माइटोसिस होंगे, तो माइटोसिस में इसमें 16 नंबर वाले स्पर्म जितने भी बनेंगे सब में 16 नंबर ऑफ स्पर्म होगा। ठीक है, 16 ओवा और 16 स्पर्म से अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो 32 वाला जाइगोट बनेगा, ये या तो वर्कर बनेंगे या फिर क्वीन बनेंगे। ठीक है, अगर ये फर्टिलाइजेशन में या रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते तो वर्कर बनते हैं, अगर ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये क्वीन बनते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट पे, 16 जो हमारा ओवा बचता है, ये कभी कभी ऐसा होता है 16 नंबर कंटेनिंग क्रोमोसोम्स वाला ओवा ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता है, और होता क्या इसका, ये माइटोसिस करके ये न्यू क्या बना लेता है, हनी बी बना लेता है माइटोसिस करके। ठीक है, न्यू हनी बी, और इस हनी बी के पूरे बॉडी में 16 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। तो ये बाई नेचर अगर देखा जाए तो ये बाई नेचर पूरी की पूरी बॉडी ही हैप्लॉयड होती है और ये एक्चुअल में ड्रोन होता है। तो ये प्रोसेस बाय विच एन अनफर्टिलाइज एग फॉर्म एन एम्ब्रियो दैट इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। तो ये जो प्रोसेस है वो पार्थिनोजेनेसिस ही है। ठीक है, तो पार्थिनोजेनेसिस अगर एग्जाम में आता तो हम उसको अटेम्प्ट कर लेना, छोड़ना नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेम ऑफ फ्री लिविंग एंड सिम्बियोटिक बैक्टीरियम दैट सर्व्स एज अ बायो फर्टिलाइजर्स। कह रहा है कि एक फ्री लिविंग और एक सिम्बियोटिक बैक्टीरिया का नाम बताइए जो बायो फर्टिलाइजर्स का काम करता है। वाई आर दे सो कॉल्ड, कौन दे सो कॉल्ड बायो फर्टिलाइजर्स, क्यों बोला जाता है किसी को, जैसे ये बायो फर्टिलाइजर्स को क्यों बोला जाएगा। सो बायो फर्टिलाइजर्स आर द सब्स्टिट्यूट्स ऑफ फर्टिलाइजर दैट इनहेंस द न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दैट इनहेंस द न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स इन प्लांट्स और क्रॉप फील्ड्स। सो बायो फर्टिलाइजर्स आर दोज सब्सटेंसेज दैट इनहेंस द न्यूट्रिशनल वैल्यूज इन क्रॉप फील्ड एज वेल एज द प्लांट्स। अब पूछ रहा है कि कोई ऐसे फ्री लिविंग या सिम्बियोटिक बैक्टीरियम का नाम बताइए जो बायो फर्टिलाइजर से काम करते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो फ्री लिविंग लिख लो कॉपी में, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, ये दो बैक्टीरिया फ्री लिविंग होता है, किसी के साथ एसोसिएट नहीं रहता है, नाइट्रोजन इनहेंस का काम करता है। सिम्बियोटिक के एग्जांपल में लिख लो कॉपी में, राइजोबियम लेग्यूमिनासोरम। तो ये राइजोबियम लेग्यूमिनासोरम ये क्या होता है, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया होता है। ठीक है,
ये रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनेसी फैमिली के साथ एसोसिएट होकर रहता है। तो इसके आंसर आई होप मिल गए होंगे आपके, फ्री लिविंग बैक्टीरिया एजोटोबैक्टर और सिम्बियोटिक बैक्टीरिया राइजोबियम लेग्यूमिनोसम। क्यों बायोफर्टिलाइजर्स हैं? बिकॉज दे यूज टू इन्हेंस द न्यूट्रिशनल वैल्यूज इन क्रॉप फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नीम द सेल एच आई वी ह्यूमन इम्यूनिटी डिफिशियंसी वायरस गेन इंटू आफ्टर इन्फेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, एक्सप्लेन द इवेंट दैट अकर्स इन दी सेल्स। कह रहा है कि ऐसे सेल्स का नाम बताइए जिसको एच आई वी सेलेक्ट करता है, किस काम के लिए? इन्फेक्शन के लिए। तो सेल का नाम है बेटा, नोट कर लो, मैक्रोफेज सेल। क्या होता है? मैक्रोफेज सेल। मैक्रोफेज सेल क्या होता है? सेल्स दैट वॉज अटैक्ड बाई एच आई वी। पहला अगर सेल हमारे बॉडी में एच आई वी अटैक करता है तो मैक्रोफेज सेल्स होता है। ठीक है, एच आई वी अटैक किया तो ये मैक्रोफेज सेल्स होते हैं। ठीक है, तो इसके ये दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में ये पूछा हुआ है उस सेल का नाम बताइए, और दूसरे पार्ट में क्या पूछा हुआ है? एक्सप्लेन द इवेंट दैट अकर्स इन दीज सेल्स। तो उसको मैं समझा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे इवेंट्स का नाम बताइए जो उस सेल्स में होते हैं। तो देखो होता क्या बेटा, ये मैक्रोफेज सेल्स है और ये आपका एचआईवी। एचआईवी का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, और ह्यूमन बॉडी के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो एचआईवी इन्फेक्शन में अपना जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इंट्रोड्यूस करता है। अब ये दोनों आपस में कभी भी रेप्लिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये है क्या, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है और ये क्या, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो ये क्या करेगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाएगा एक प्रोसेस के थ्रू जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि इसके पास एक एंजाइम भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या बना लेगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए आसानी से इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए ह्यूमन बींग के साथ रेप्लिकेट करेगा और इसके अंदर क्या बना लेगा, ढेर सारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। किसके अंदर? इसी माइक्रोफेज के अंदर। माइक्रोफेज के अंदर जब ढेर सारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना लेगा तो अब ये प्रोटीन सिंथेसिस के पहले स्टेज यानी ट्रांसक्रिप्शन को फॉलो करेगा तो एमआरएनए बनाएगा। ये एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आएगा जिससे वायरस की छोटी छोटी कॉपी बनेगी। ठीक है, ये वायरस की छोटी छोटी कॉपी बन रही है। ये कहाँ बन रही है? इसी मैक्रोफेज सेल्स में बन रही है, जो बाद में यहीं से वो रिलीज्ड आउट हो जाएंगे। जितने भी वायरस बनेंगे वो बाद में रिलीज हो जाएंगे। तो ये अब रिलीज होकर के क्या करेंगे, ये T4 और TH लिम्फोसाइट्स को इन्फेक्ट करेंगे। तो ये जो मैक्रोफेज सेल्स है इसी वजह से इसको बोला जाता है HIV फैक्ट्री ऑफ HIV फॉर्मेशन। ठीक है, ये HIV फॉर्मेशन की इसको फैक्ट्री बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसके स्टेजेस में हम लोग क्या लिखेंगे, पहला है इन्फेक्शन, दूसरा क्या है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तीसरा क्या है रेप्लिकेशन, और चौथा क्या है HIV फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये कुछ उसके इवेंट्स हैं जिसको हमको कॉपी में लिखने हैं, इवेंट्स ही पूछ रहा है तो इवेंट्स हमको लिख लेने हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सारी चीज़ें हमने देख लिया, समझ लिया। इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा। ठीक है, तो ये हमारा देखो बहुत पहले से टारगेट था कि हम कम से कम सैम्पल पेपर के कुछ सेट्स सॉल्व करें, तो ये 2 से 3 दिन में इसको मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, 2-3 दिन लगेंगे इस क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो में आप जो चीज़ें पढ़ेंगे जो चीज़ें समझेंगे वो डेली आप एक टारगेट बना लीजिए, हमको 5-7 क्वेश्चन सॉल्व करने, 10 क्वेश्चन सॉल्व करने सैंपल पेपर की। फिलहाल सैंपल पेपर का मैं कोशिश करूँगा कि आपको PDF अवेलेबल करा दूँगा। अगर आप अपने ईमेल ID कमेंट बॉक्स में अगर हम पोस्ट करते हैं तो उस ईमेल पे मैं आपको इस जो क्वेश्चन पेपर का रिवीजन चल रहा है इसका पूरा क्वेश्चन पेपर आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, या फिर व्हाट्सएप नंबर अगर आप मुझे फॉरवर्ड करते हैं तो उसमें मैं एक क्वेश्चन पेपर का मैं क्या कर दूंगा, PDF आपको भेज दूंगा। ठीक है, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसका पैकेट्स बना करके कमेंट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो लिंक्स डाल दूँ जिससे आपको आसानी से इसके PDF डाउनलोड हो जाए और आप पहले से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हालाँकि इसका रिविजनल वीडियोज़ मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड वीडियो लेक्चर सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।